मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ रविदास जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सागर पहुंचे, जहां उन्होंने पीटीसी ग्राउंड में आम जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंह चलाने और देश चलाने में बड़ा अंतर है। मुख्यमंत्री कमलनाथ सागर पहुंचकर संत रविदास जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पीटीसी ग्राउंड पर संत रविदास जयंती समारोह में शामिल संतों का सम्मान किया, साथ ही 3,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नए कलेक्ट्रेट भवन एवं स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया। भैया अरे ओ भैया सीएम कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने प्रदेश के विकास का संकल्प किया है, हर साल सरकार के किए कार्यों का हिसाब दूंगा। 500 लोग बैठे हैं जिनको इससे फायदा हुआ है। ये आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये शुरुआत है, ये हमारे 11.5-12 महीने का हिसाब है और हर साल मैं प्रदेश को हिसाब दूंगा, हर साल का हिसाब दूंगा कि हमारे कृषि क्षेत्र रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।